अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ, यहाँ पर मैं नाश्ता भी बनाऊँगी और अपने मियाँ जी के साथ का खाना भी बनाती हूँ। ये देखें, चाय भी मैंने रख दी है और तवा भी मेरा गर्म हो चुका है। मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नाश्ते के साथ। नाश्ता रेडी हो चुका है। ये मैंने फिर मियाँ जी के लिए पराठा बना लिया और ये मेरे मियाँ जी भी बैठे हुए। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे मेरे मियाँ जी जा रहे हैं। कब तक आएंगे? शाम में। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें व्यूअर्स, आयजा भी उठ चुकी है। आयजा हाय कर दो। हाय। ये देखें, ये मेरे सारे कमरे की मैं सफाई करूंगी। सारा कमरा बिखरा हुआ है, अभी हम कमरे की सफाई करेंगे और फिर रात मिलेंगे। ये सारा किचन के भी मैं साफ़ करूंगी, ये स्कूल रूम बाहर से भी सब कुछ साफ़ करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें घर की सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है, सारी अच्छे से डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली है। किचन भी सारा मैंने समेट लिया है बिल्कुल। यहाँ की भी मैंने सारी साफ सफाई कर ली है। ये देखिए, और ये मैंने आयजा के कपड़े भी निकाल लिए। आयजा को अभी नाश्ता करवा के फिर मैं आयजा को भी रेडी करूँगी और यहाँ पे चलते हैं। मैं चिकन निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ जी ने आई फरमाइश की थी कि चिकन रोल बनाने, तो मैं डीप फ्रॉस्ट करके रख देती हूँ ताकि मसाला भी लगाना है ना, 2-3 घंटे मसाला भी हम लगा के रखेंगे। यहाँ पे मैं प्याज भी बारीक बारीक काट के रख लूँगी ताकि रोलों में डालने होते हैं ना, इन स्किन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। काट के पानी में भिगो के ठंडे पानी में रख दूँगी, इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली है, इनको मैंने पानी में भिगो के रख दी, फ्रिज में रख लूँगी, इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। मैदा भी गून के रख लूँगी क्योंकि मैदे से चिकन रोल बहुत मज़े के बनते हैं पराठे। तो इसमें मैंने घी ऐड किया है, पानी भी और नमक, ये वाला मैदा मैं इस्तेमाल करती हूँ। घी ऐड करने से ये होता है कि आपके पराठे सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। चलें फिर मैं आटा गूंद लूँ। फिर हमने मैदा गूंद लिया, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। आयजा को तैयार करूँगी, आयजा को नहला धुला के तैयार करूँगी। अभी देखें आप, आयजा चुटकी बजाती तैयार हो जाएगी। देखें आयजा तैयार हो चुकी है। आयजा ने आज फ्रॉक पहना है। अच्छा खेलो खेलो। मैंने यहाँ पे सारे कपड़े भी वॉश कर लिए, अब मैं खुद भी तैयार हो के इंशाल्लाह फिर नमाज पढ़ेंगे। सब्ज़ी वाला अभी तक आया नहीं है, सब्ज़ी वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, सब्ज़ी भी लेनी है और फिर अभी तो 11:30 का टाइम है, नमाज पढ़ेंगे फिर दोपहर की। हाँ 100 रुपये किलो, सही सही लगाओ ना। और आलू 2 किलो, भिंडी वो दूसरे तो 100 का 2.5 किलो दे रहे हैं, तुम क्यों 100 का 2 किलो दे? 40 रुपए किलो आज खरीदा मंडी का। अच्छा 1 किलो प्याज दो, सही सही डालना, 1 किलो आलू, 100 के आलू। आप चुप क्यों रहे? 1 किलो प्याज मंडी फ्रोस्ट हो चुकी है, हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे 2-3 घंटे के लिए। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चिकन तंदूरी मसाला और लेमन स्क्वीज करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें चिकन हमने मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसको 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम चटनी भी रेडी करके रख लेंगे, शाम को दही आएगी तो हम उसमें ऐड कर देंगे फिर चटनी। इसमें मैंने पुदीना है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज डाली है, इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। देखें आप, चटनी रेडी हो गई है। मैंने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लिया। देखें पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। दोपहर का टाइम हो चुका है, अजान भी हो गई है, अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ।
नमाज पढ़ के फिर मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगी। यहाँ पर मैं अब अपने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, विटामिन ई के कैप्सूल, इससे जिसे खाने चाहिए, मेरी मम्मी कहती है सही होते हैं ये ताकत की गोलियाँ। साथ ही मैं ये भी पीऊँगी कैल्शियम की टिक्कियाँ, ये बोन्स के लिए सही होती हैं। बोन्स में आजकल मेरे बहुत दर्द रहता है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ला के दिए कि आप ये पिए। अभी तो इतनी उम्र भी नहीं, अभी से हमारी बोन्स में इतना दर्द होता है, आगे जाके अल्लाह जाने क्या होगा। हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करूंगी और फिर काम थोड़ा सा करना है वो करेंगे। चलें मैं अब कुरान शरीफ पढ़ लूँ। मेरे मियाँ जी आ गए हैं घर, मैं अभी उनके लिए पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और अजान भी हो रही है। यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और अब मैं अपने मियाँ जी को जाके देती हूँ, उनसे पूछती हूँ कैसे बने। कैसे बने? यहाँ पे असर का टाइम हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं असर की नमाज। यहाँ पे अब हमने दही डाल के चटनी रेडी कर ली है, अब हम पराठे बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बने। यहाँ पे मेरी फूफो तरबूज काट रही है, यहाँ पे अब हम पराठा बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले चटनी लगाएंगे, प्याज रखेंगे। चिकन रोल रेडी हो चुके हैं, अब ये ऐसा को दे रहे हैं। यहाँ पे अब मैं खाना खा रही हूँ, मियाँ जी ने खा ली है, अब मैं खा रही हूँ, सबको बना के दिए मैंने, तो मैंने सोचा मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ मुझे आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें अच्छे अच्छे से, और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।